मैं सोनम कौशिक स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल 8 सोनम्स क्रिएशंस में। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर ही होंगे। तो दोस्तों आज किस वीडियो में कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो जगह है, जो खाली जगह है, इस जगह को कुछ बच्चों के लिए खेलने के हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हुक ले रही हूँ, या आप कोई कील का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका यहाँ पर कुछ भी इस टाइप की चीज़ रखे लगाएं, जिस पर आप जो चीज़ हम जैसे कि बेबी सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हम हैंग करें तो वो स्ट्रोंग हो। तो ऐसा मैंने यहाँ पर एक लगा दिया है, आप कील वील जो भी आपके पास है आप लगा सकते हो। तो ये एक जो बेबी ब्लैंकेट्स आते हैं, जो बेबी गद्दे होते हैं, आपके पास अगर रखे हो पुराने तो आप वो ले सकते हो। मेरे पास कुछ नया रखा हुआ था तो मैंने वो यूज़ करा है। और इसके साथ मेरे पास एक मेरी वाइट कलर का दुपट्टा है, जिस पर वाइट कलर का कॉटन का दुपट्टा है। और जैसे कि ये जो गद्दा है, जो कंबल है, ये मेरा मेहरून कलर का था, तो और ये जो वाइट कलर की दुपट्टा था इस पर भी मेहरून कलर का बॉर्डर था, तो दोनों का मिक्स मैच काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों को के साथ ही मैं वीडियो क्रिएट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल जो गद्दा है वो बिछाया, उसके बाद जो ये हमारा जो बेस हम बना रहे हैं, जो भी आप आपके पास जो भी ब्लैंकेट है, जैसा भी आप लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए, और उसके बाद आप उसको अच्छे से सेट कर लीजिए जिस भी एरिया में आप इसे क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप बॉर्डर लगा रहे जैसे आप कोई दुपट्टा यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई साड़ी यूज़ कर रहे हो, या आप कोई बेडशीट यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो फ्रंट वाला लुक है वो सामने की तरफ हो, जिससे कि वो सुंदर लगे। अब आपको एक नोट लगा देनी है जिससे हम इसको उस हुक के अंदर हैंग कर सकें। तो ये मैंने इस पर, आप इस पर रबड़ की बजाय कोई, इसको किसी भी डोरी वोरी से आप इसको बांध दें। अच्छे से बांधने के बाद बस आप इसको जो आपने हुक लगाया है उस हुक पे आपको इसको लगा देना है। और ये जो एक्स्ट्रा जो भी बचा होगा, जो भी साड़ी है, जो भी दुपट्टे का जो साइड का पोर्शन बचा होगा, वो आपको उस गद्दे के नीचे आपको अच्छे से दबा देना है। अच्छे से आपको पूरा इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देना है। और अगर जैसे कि हम बेबी से रिलेटेड बना रहे हैं तो बस उनकी पसंद की चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, जो भी चीज़ें हो। थोड़ा सा डेकोरेशन आपको कर देना है, जैसे आप कोई भी फ्लावर प्लांट लगाना चाहते हो तो वो रख दीजिए। इसके अलावा जो भी टैडी वेडी जो भी आपके पास है सब आपको इसके साथ लगा देना है, रख देना है, जिससे आपका जो बेबी हो वो हैप्पी रहे और घंटों यहाँ पर बैठ के वो खेल सके। और अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आप सामने बैठ कर अच्छे से काम भी कर सकते हैं, और जो आपका बेबी है वो हैप्पी भी रहेगा। तो जैसे कि मेरी एक डॉटर है जो कि 1.5 ईयर की है, तो जब मैंने ये स्पेशली उसी के लिए मैंने ये क्रिएट किया था, और जब मैंने ये बनाया तो वो इसमें बैठकर खुश भी रियल में बहुत हुई थी। तो एक बार एटलीस्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप आपके जो बेबीज़ हैं उनको ये बहुत पसंद आएगा। ये आपके ये 1-7 ईयर तक के बेबीज़ इसमें आराम से बैठ सकते हैं और अच्छे से वो इसमें खेल भी सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैंकेट न्यू यूज़ किया है, बट आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसी का यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट जाएं और आपको नया ही ख़रीद कर लाना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके पास अवेलेबल है प्लीज़ उसी चीज़ में आप बना कर रेडी कर सकते हैं, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जिसको भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्लीज़ घर पर ही रहें।